हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट किसके बारे में, हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट किए कर दिए थे और हमने बात की थी अबाउट आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में होता क्या, आपका प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है, मतलब डेल्टा पी क्या होगा आपके पास, जीरो होगा। ठीक है, प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था, चाहे वो ओपन कंटेनर हो या क्लोज कंटेनर हो। ठीक है, क्लोज मींस नॉन रिजिड कंटेनर हो आपके पास। ठीक है, क्योंकि रिजिड कंटेनर होता है तो उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा भी वहाँ पर जीरो हो जाता है, तो उसका वर्क डन जीरो हो जाता है। लेकिन आपके क्लोज या अगर हम बात करें नॉन रिजिड कंटेनर में, ठीक है, उसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था, दैट इज़ डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। ठीक है, जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा गैसेस क्या हो, इन्वॉल्व हो, तब आप इस फॉर्मूले को काम में ले सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है ना, और अभी तक आपको लग भी गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो इजी चैप्टर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पुरानी चीज़ें टाइम टू टाइम रिवाइज करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या कर पाओगे, आगे वाली आने वाली चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है ना, तो थर्मोडायनेमिक चैप्टर ईजी नहीं है, थोड़ा आपको इसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है, चलिए आई होप आप करोगे भी सही। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिफरेंट जो आपकी सेकंड टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, दैट इज़ आइसोकोरिक प्रोसेस, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट क्या होगा आपका, वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ अगर हम बात करें तो आपके पास कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट, या अगर हम कह सकते हैं डीवी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, और डीवी के साथ साथ आपका डेल्टा वी भी क्या होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, जीरो होगा आपके पास। ठीक है, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर आपके पास W क्या आएगा, माइनस पी इंटू डेल्टा वी या डी वी आप जो भी लिखते हो, तो यहाँ से आपके पास W की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसका मतलब ये है कि आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं, यहाँ पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर और वॉल्यूम में, दिस इज़ प्रेशर, दिस इज़ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास, इस टाइप का, इसे हम बोलते हैं आइसोकोर, आइसोचोर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आइसोकोर। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट, इस टाइप का आपका ग्राफ होगा। आइसोबारिक में हमने बताया था प्रेशर कांस्टेंट होता तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनती थी। ठीक है, वो आइसोबैरिक का कर्व था। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर लगाएं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLTD, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस W, और W की वैल्यू होती है ज़ीरो, वो अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास डेल्टा यू किसके इक्वल हो जाता है, क्यू, और क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू भी। और ये हमें पता है पहले भी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर एक सिस्टम के द्वारा की गई हीट एक्सचेंज किसके बराबर होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होती है, डेल्टा यू के बराबर। तो आपके पास दो टाइप की हीट बनी। ठीक है, एक तो आइसोबारिक के प्रोसेस में भी बनी थी। ठीक है, अगर हम उसमें बात करें, दो टाइप की आपके पास हीट है, एक तो क्यू पी, वो किसके बराबर होती है, डेल्टा एच के बराबर होती है। ठीक है, सेम थिंग क्यू वी किसके बराबर होती है, डेल्टा यू के बराबर होती है। ठीक है, हीट के दो ही टाइप हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर पर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्लियर है, चलिए
तो ये सिंपल सा है आपका आइसो कोरिक प्रोसेस, इसमें और कुछ भी नहीं है समझाने के लिए, ठीक है ना। इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके किसके लिए, आइसो थर्मल ग्राफ के बारे में या आइसो थर्मल प्रोसेस के बारे में। चलिए अब अगर हम बात करें किसके लिए आइसो थर्मल के लिए, अब देखिए ये चीज़ें याद करने की रटने की नहीं होती, ये चीज़ें समझने की होती है। जो क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से करते जाओ और आपको आंसर निकालना, इन चीज़ों को रटा नहीं जा सकता ना ही याद किया जा सकता, बस समझा जा सकता है। जो क्वेश्चन में पूछ लिया उसके अनुसार आपको काम करना है, ठीक है ना। थर्ड अगर हम बात करें दैट इज़ आइसो थर्मल, आइसो थर्मल प्रोसेस। अब देखिए आइसो थर्मल प्रोसेस नाम से पता पड़ रहा है, यहाँ पर क्या चीज़ कांस्टेंट होगी, बिल्कुल सही, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, मतलब डेल्टा टी या हम कहें डी टी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। एंड डेल्टा टी भी क्या होगा आपके पास, ज़ीरो होगा। डेल्टा टी क्या है आपके पास, ज़ीरो है, ठीक है ना। डी टी इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर मैं आपको अगर एक स्टेटमेंट पूछता हूँ, ठीक है, इफ फॉर ए प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो देन दैट प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, आपको बताना कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग स्टेटमेंट है। इफ फॉर ए प्रोसेस डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो देन दैट प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल, ठीक है। मतलब किसी के लिए अगर किसी प्रोसेस में डेल्टा टी ज़ीरो है तो वो प्रोसेस कैसी होगी, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। क्या ये करेक्ट है, नहीं ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए मान लो एक मैं स्टेट लेता हूँ जिसमें आपका प्रेशर है 180 एटीएम, टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन और वॉल्यूम आपका मान लीजिए 2 लीटर है, ठीक है। यहाँ से मैं एक दूसरी स्टेट पर जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पर प्रेशर मान लीजिए आपका, जहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर को मैंने चेंज किया और 500 केल्विन कर दिया, ठीक है। यहाँ से फिर मैं एक तीसरी स्टेट पर जाता हूँ और जहाँ पे मैं टेम्परेचर को फिर से क्या कर देता हूँ, 300 केल्विन कर देता हूँ, ठीक है। तब देखिए इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर वो क्या है आपके पास, सेम है। मतलब डेल्टा टी क्या है, ज़ीरो है, पर क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, नहीं। इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जबकि आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसलिए केवल डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो लिखा है इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। लेकिन इसी की जगह मैं लिख दूं इफ फॉर ए प्रोसेस डी टी इक्वल टू ज़ीरो देन दैट प्रोसेस मस्ट बी आइसोथर्मल, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्यों, क्योंकि डी टी का मतलब है आपका स्मॉल चेंज, आपका स्मॉल चेंज में क्या है, टेम्परेचर ज़ीरो है, टेम्परेचर में चेंज ज़ीरो है, हर एक स्मॉल चेंजेस के अंदर आपका टेम्परेचर ज़ीरो है, ठीक है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, हर एक स्मॉल चेंजेस में यहाँ पर डी टी इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, इसलिए हम इसे आइसोथर्मल बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन डेल्टा टी इक्वल टू ज़ीरो होने पर आइसोथर्मल बोलो, ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, डी टी मतलब स्मॉल चेंज और स्मॉल चेंजेस आपके क्या हैं, ज़ीरो ज़ीरो है, इसका मतलब आपके थ्रू आउट टेम्परेचर क्या बना हुआ है, कॉन्स्टेंट बना हुआ है हर एक स्टेप पर। इसलिए हर एक स्मॉल पोर्शन में आपका डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होता है। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ये तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट।
हर जगह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं अप्लाई हो जाए बट हर जगह अप्लाई नहीं होगा ये। और ये आपका क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स भी आपको पहचानने आने चाहिए, क्लियर है, आई होप क्लियर होगा ये आपको। अब अगर हम बात करें किसके लिए, अगर फॉर एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए अगर हम बात करें फॉर ए रियल केस, या फिर अगर हम देखते हैं डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या है, आपके पास जीरो है, तो डेल्टा यू भी क्या होगा, जीरो होगा, बिल्कुल करेक्ट है। वहीं अगर हम बात करें किसके लिए, डेल्टा एच के लिए, डेल्टा एच क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी, यहाँ पे भी डेल्टा जीरो है तो यहाँ से आपके पास डेल्टा एच क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों क्या होते हैं, आपके पास जीरो होते हैं, पर ये दोनों जीरो किसके लिए होते हैं, एक आइडियल गैस के लिए। अगर कोई कहीं पे भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है आइडियल गैस में, तो उसके लिए इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, आपके पास जीरो होते हैं फॉर एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस। उसके लिए क्या होते हैं, ये दोनों जीरो होते हैं, करेक्ट। बट रियल गैस के बारे में अगर हम बात करें, किसके बारे में, रियल गैस के बारे में, ठीक है, तो रियल गैस के लिए डेल्टा यू और डेल्टा एच जीरो होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था डेल्टा यू का। डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला था, या अगर हम बात करें डी यू, डी यू का हमने फॉर्मूला निकाला था, दैट इज डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इन टू डी वी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी। यहाँ से अगर हम देखें डी यू, डी यू की वैल्यू, ठीक है, डी यू की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इसको हम क्या बोलते थे, सी वी। तो सी वी इंटू डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इंटू डी वी, ठीक है। डी टी आपके पास क्या है, जीरो है, तो ये तो टर्म हो गई आपके पास जीरो, क्या हो गई आपके पास जीरो, ठीक है। लेकिन ये टर्म फिर भी आपके पास बची हुई रहेगी, इसका मतलब डी यू आपका क्या है, नॉन जीरो है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा यू होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। सेम इसी तरीके से अगर हम डेल एच निकालें, डी एच के लिए भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, डी एच के लिए सी वी की जगह क्या आ जाएगा, सी पी इंटू डी टी, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो प्लस डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी इंटू डी पी, ये वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो हो जाएगी। लेकिन ये वैल्यू फिर भी आपके पास बचेगी, ठीक है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर रियल गैस डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एच विल नॉट इक्वल टू जीरो फॉर रियल गैस। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। कभी कभी वो इस चीज़ में भी स्टेटमेंट में फंसा लेते हैं कि आइडियल गैस के लिए आइसो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू और डेल्टा एच करेक्ट होता है, जीरो होता है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, होता है, लेकिन ये रियल गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए, यहाँ अगर हम बात करें फॉर ए रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन के लिए बात करें, फॉर ए रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मान लो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर एक रिएक्शन हो रही है, जैसे ए गैस आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो क्या इस प्रोसेस के लिए भी डेल्टा यू और डेल्टा एच के ज़ीरो होते हैं,
नहीं होते, ठीक है ना। ऐसा हमें लग सकता है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है तो डेल्टा एच जीरो है तो ये भी जीरो होगा और ये भी आपके पास जीरो होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। डेल्टा एच और डेल्टा यू हमेशा केवल और केवल आइडियल गैस के लिए ही जीरो होंगे, रियल गैस के लिए भी जीरो नहीं होंगे और एक रिएक्शन के लिए भी जीरो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एंथैल्पी, एंथैल्पी कैसा फंक्शन है? आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सेम इसी तरह से डेल्टा यू भी, यू भी क्या होती है? आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं आपके पास। अब ये मान लो ए गैस है, ये बी गैस, रिएक्शन के दौरान ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपके बी गैस में कन्वर्ट हो रहा है। क्या दोनों की एंथैल्पी सेम होगी? दो प्रोडक्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, ए अलग है बी अलग है, उनकी एंथैल्पी सेम नहीं होगी। अगर एंथैल्पी सेम नहीं होगी उनकी, तो क्या डेल्टा एच उनमें जो एंथैल्पी में चेंज वो जीरो आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा आपके पास? एंथैल्पी ऑफ बी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए, और ये जीरो के इक्वल नहीं होगा, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ना तो ये ज़ीरो होगा और ना ही ये ज़ीरो होगा। डेल्टा एच और डेल्टा यू रिएक्शन के लिए कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे, रियल गैस के लिए ज़ीरो नहीं होंगे, बट आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या होंगे? ज़ीरो होंगे फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखना है। सभी केस में मत लगा देना कि भाई कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है चलो ज़ीरो, देखना है पहले को अपने आइडियल गैस है या नहीं है। क्लियर है? रिएक्शन विएक्शन पे नहीं लगाना है अपने को कभी भी। ओके, चलिए इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम इसी चीज़ को पढ़ें आपके रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए तो क्या होता है। देखिए आइडियल गैस के लिए अगर हम बात करें, फॉर आइडियल गैस, आइसोथर्मल है आपके पास, ठीक है, तो डेल्टा टी तो क्या हो गया आपके पास? जीरो हो गया, और उससे डेल्टा यू क्या हो जाएगा आपके पास? जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम एफ एल टी डी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या कह सकते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास? Q प्लस W। अब Q की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं Q किसके इक्वल होगा? माइनस W के इक्वल होगा, ठीक है। Q किसके इक्वल होगा आपके पास? माइनस W के इक्वल होगा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ Q इक्वल टू माइनस W। किसके लिए है ये? आइडियल गैस के लिए। अब इसका मीनिंग क्या है? Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का थियोरिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो पता होना इम्पोर्टेंट है। इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब वर्क कौन कर रहा है आपका? अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, इफ वर्क इज डन By the system, अगर work is done by the system होगा तो W कैसा होगा? Negative होगा। और जब system work करता है तो आपका क्या होता है? Expansion होता है, क्योंकि expansion का work ही क्या होता है? Negative होता है। अगर W negative है तो Q क्या होगा? Q आपका positive होगा। यहाँ से आप देख सकते हो minus minus plus हो जाएगा, तो W बराबर Q बराबर positive। क्यों पॉजिटिव है? इसका मतलब हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों बराबर पॉजिटिव है मतलब हीट इज एब्जॉर्ब। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ये इसका क्या होता है? सिग्निफिकेंस होता है, मीनिंग होता है। क्लियर है?
ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि हाँ इसका मीनिंग ये है। अब यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और वो किस केस में होता है, कंप्रेशन के केस में होता है। W पॉजिटिव है तो Q क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। Q नेगेटिव मतलब हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग, क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन हीट क्या होगी, यहाँ पे क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, जबकि वहां पर क्या होगी, हीट विल बी रिलीज्ड। बाय द सिस्टम, सिस्टम क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। क्लियर है, ये इसका क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है, मीनिंग होता है। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, देखो पता होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे करवाया जाता है, देखिए जैसे ये आपका सिलेंडर है, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे आपकी गैस फिल है। तो आइसोथर्मल जब आपको करवाना जाता है, इसको हम क्या करते हैं, बाहर से सराउंड कर लेते हैं, इस पिस्टन को हमने सराउंड कर लिया, ठीक है, एक वाटर बाथ के जरिए। क्या कर लेते हैं, इसको सराउंड कर लेते हैं, तो ये क्या है आपका, वाटर बाथ, जिसका टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसको हम मेंटेन करके रखते हैं। अगर बाहर के वाटर बाथ का टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो भी टेम्परेचर होगा वही क्या होगा, इस अंदर में जो भरी हुई गैस है उसका भी क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो हम बाहर वाले टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और इस टाइप से आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, कैरी करवाई जाती है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन रख के। क्लियर है, तो इससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस करवाते हैं। क्लियर है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आप रट नहीं सकते हो, ये केवल आप समझ ही सकते हो कि हाँ W है नेगेटिव तो Q पॉजिटिव होगा, मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। W पॉजिटिव किसके लिए होता है, W नेगेटिव किसके लिए होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई W आपका नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, और W पॉजिटिव है मतलब आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस साइन की इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, ये आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। क्लियर है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उनका इससे हम रिलेशन देखते हैं आपका आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है ना। इसको एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क के लिए। ये जो चीज़ें हैं ये दोनों किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है ना, मैंने ऊपर भी लिखवाया था। चलिए अब अगर हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस को किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करें, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस का, तो देखिए अब हमें पता है कि डेल्टा यू तो क्या होता है, डेल्टा यू ज़ीरो होता है आपके आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और यहाँ से हमने निकाला था क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, या अगर मैं लिखूँ, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए लिख रहे हैं, तो क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल, ठीक है, ये होता है। अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला, डब्ल्यू रिवर्सिबल
रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है मैंने आपको लिखवाया था, क्या होता है? माइनस पी गैस इंटू डी वी वॉल्यूम वी वन से वी टू, ठीक है। रिवर्सिबल के लिए आपका पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो माइनस पी गैस इंटू डी वी वी वन से वी टू, क्लियर है। अब आइडियल गैस के लिए पी वी क्या होता है, एन आर टी होता है। यहाँ से अगर हम डब्ल्यू रिवर्सिबल निकालें तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस ये वी वन से वी टू लिमिट, पी गैस की जगह हम क्या लिखेंगे, एन आर टी डिवाइड बाई वी, यहाँ से क्लियर है, इन टू डी वी, क्लियर है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट एन कॉन्स्टेंट, तीनों को हम बाहर निकाल लेते हैं। डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस एन आर टी, वन अपॉन वी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन वी, लिमिट लगाएंगे तो एल एन वी टू माइनस वी वन, या जिसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एन वी टू डिवाइड बाई वी वन। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है डब्ल्यू रिवर्सिबल का, जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपको वर्क निकालना है, कौन सा वाला, रिवर्सिबल वर्क, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, ठीक है। अगर लॉग के फॉर्म में निकालना है तो डब्ल्यू रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, एल एन टू को अगर लॉग में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.303 एन आर टी लॉग वी टू डिवाइड बाई वी वन। आप इस तरीके से भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, क्लियर है, दोनों अपने पास फॉर्मूले आ गए हैं। वहीं अगर हम बात करें फॉर आइडियल गैस, पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये आपकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो हम पी वन वी वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी टू वी टू लिख सकते हैं। फॉर आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हम क्या लिख सकते हैं, पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू। यहाँ से हम वी टू बाई वी वन की वैल्यू निकालें तो वी टू बाई वी वन क्या होगा आपके पास, पी वन बाई पी टू। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, देखते माइनस एन आर टी एल एन, जहाँ पे वी टू बाई वी वन था यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी वन बाई पी टू। तो चाहे प्रेशर दिया हो या वॉल्यूम दिया हो, प्रेशर दिया है तो प्रेशर के टर्म्स में और वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम्स के टर्म्स में आपको आंसर निकालना है, ठीक है। डब्ल्यू रिवर्सिबल यहाँ से आ जाएगा, क्यू रिवर्सिबल पूछा है तो माइनस लगा दीजिए आगे, बात खत्म। तो ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, डब्ल्यू रिवर्सिबल के लिए, आपके एक आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू या फिर वी टू बाई वी वन होगा, क्लियर है। चलिए अगर हम बात करें इसके अलावा, मैंने आपको एक और बताया था वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अंडर पी वी कर्व, वर्क को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम पी और वी में कर्व ड्रॉ करें, आइसोथर्मल आपके रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पी और वी, ठीक है, इस टाइप का आपका हाइपरबोलिक ये कर्व आ जाएगा, ठीक है। इसका जो एरिया होगा ये किसके लिए है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, क्योंकि इरिवर्सिबल के लिए तो हम कर्व बना ही नहीं सकते, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम केवल रिवर्सिबल के लिए ही कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। और इसका जो एरिया होगा, ठीक है, ये हमें क्या देगा, वर्क डन, कौन सा वाला, रिवर्सिबल वर्क डन, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यू रिवर्सिबल की वैल्यू क्या होती है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन या फिर माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। और ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है, आपके रिवर्सिबल आइसोथर्म के लिए, भूल करके भी इसे इरिवर्सिबल के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, भूल करके भी आपको इसको डब्ल्यू इरिवर्सिबल के लिए अप्लाई नहीं करना है,
ध्यान रखना, अभी W इरिवर्सिबल के हम एक अलग फॉर्मूला बनाएंगे, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके W इरिवर्सिबल के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके W इरिवर्सिबल के लिए। अगर हम बात करें फॉर इरिवर्सिबल, फॉर इरिवर्सिबल के लिए अगर हम बात करें डेल्टा यू, तो उसके लिए भी जीरो होगा, और क्यू रिवर्सिबल की जगह क्या लिखेंगे हम, क्यू इरिवर्सिबल किसके बराबर होगा, डब्ल्यू इरिवर्सिबल के बराबर, ठीक है? अब बात करें हम वर्क डन, W इरिवर्सिबल का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस P एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले भी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के केस में। W इरिवर्सिबल में क्या होता है, आपका कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कहीं पर भी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले एक्सपेंशन हो रहा है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास लिखा गया है, तो इसका मतलब वो कौन सा वर्क होगा, इरिवर्सिबल वर्क होगा, ठीक है ना? लैंग्वेज को आपको पहचानना आना चाहिए। वर्क अगेंस्ट आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे, वर्क अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर विल बी W इरिवर्सिबल, ठीक है? अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया गया है, तो वो क्या होगा, W इरिवर्सिबल होगा, ठीक है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के हमें पता पड़ना चाहिए कि W रिवर्सिबल क्या है, मतलब वो प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ठीक है ना? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए अब यहाँ से अगर हम बात करें, वॉल्यूम दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो फिर से हम यहाँ पे V को क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई पी, तो W इरिवर्सिबल का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इन टू, वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी डिवाइड बाई पी टू माइनस एन आर टी बाई पी वन, ठीक है? इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, W इरिवर्सिबल का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ज़रूरत हो तब इसे आपको बना लेना है, क्लियर है? चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में या तो वो पी वन पी टू और पी एक्सटर्नल सबकी वैल्यू दे देगा, या फिर कभी कभी वैल्यू नहीं देता है, ठीक है? तो देखिए अगर दे देता है तो अब हम क्या करते हैं, नहीं देता है तब हम क्या करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको कुछ कंडीशन दी हुई है, जैसे प्रेशर है आपका 10 atm, इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है कितना, 10 atm, टेम्परेचर है आपका 300 kelvin और आपको 1 मोल दिया गया है, ठीक है? आप क्या कर रहे हो, इसका एक्सपेंशन कर रहे हो अगेंस्ट एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर पी एक्सटर्नल, ये आपको दिया है कितना, 180 मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है? इसके अगेंस्ट आपने क्या करवाया, एक्सपेंशन करवाया, ठीक है? कब तक, जब तक फाइनल प्रेशर पी टू कितना नहीं हो जाता है, 280, आपका टेम्परेचर 300 केल्विन ही है और मान लीजिए मोल भी आपके 1 मोल है, ठीक है? तो कभी कभी तो क्वेश्चन में आपको वो इनिशियल प्रेशर दे देगा, फाइनल प्रेशर दे देगा और एक्सटर्नल प्रेशर, तीनों चीज़ वैल्यू दे देगा, तो पी वन पी टू पी एक्सटर्नल तीनों की वैल्यू आपके पास मिल गई, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कभी कभी वो क्या करेगा कि एक्सटर्नल प्रेशर नहीं देगा, मतलब पी वन क्या है आपका, मान लीजिए 10 atm है, वही टेम्परेचर 300 केल्विन लिया और ये आपका 1 मोल, ठीक है?
इसको आपने क्या करवाया, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट क्या करवाया, एक्सपेंशन करवाया पी एक्सटर्नल, और वैल्यू आपको नहीं दी क्वेश्चन में, ठीक है। और फाइनल प्रेशर दे दिया आपको पी टू, दैट इज 180 300 केल्विन और 1 मोल। तब उस कंडीशन में हम पी एक्सटर्नल क्या लेंगे, वो हमें क्या है देखना पड़ेगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, ये है आपका मान लीजिए सिलेंडर, ठीक है, और ये आपका वो दिया हुआ है, ठीक है, पिस्टन दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम बात करें, अंदर तो आपकी गैस फिल है, उसका प्रेशर है मान लीजिए आपका दिया हुआ है कितना, इनिशियल प्रेशर 1080, ठीक है। अब एक्सपेंशन होगा इसका, और अगर एक्सपेंशन होगा कब तक होता रहेगा, जब तक आपका फाइनल प्रेशर किसके इक्वल नहीं हो जाता, एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। मान लीजिए यहाँ पे आके आपका पिस्टन रुक गया, यहाँ पे पी एक्सटर्नल कितना लगा हुआ है, जो भी आपका लग रहा होगा पी एक्सटर्नल, ठीक है, यहाँ पर भी आपका पी एक्सटर्नल लग रहा था, ठीक है। आपने क्या करवाया, एक्सपेंशन करवाया, 1080 से किसी ना किसी एटीएम पर जाके वो क्या हो गया, रुक गया। कब रुकेगा, वो तब रुकेगा जब आपके अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या नहीं हो जाता है, कॉन्स्टेंट नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता, तब तक वो पिस्टन मूव करेगा। जैसे बराबर हुआ पिस्टन रुक जाएगा। अब पिस्टन रुक गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो चुका है, कॉन्स्टेंट हो चुका है। और फाइनल प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, पी टू 180। इसका मतलब अगर बाहर का अंदर का प्रेशर पी टू 180 है फाइनल, तो बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी कितना होगा, 180 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको पी एक्सटर्नल नहीं दिया गया है, तो आपको जो फाइनल प्रेशर होगा वही आपको लेके चलना है कि वही आपका क्या है, पी एक्सटर्नल होगा। क्योंकि तभी आपका पिस्टन क्या है रुकेगा, जब अंदर का प्रेशर जो लास्ट वाला है और बाहर का प्रेशर दोनों सेम नहीं हो जाते, तब तक पिस्टन मूव करेगा। जैसे ही सेम हुए पिस्टन रुक जाएगा आपका, और वही क्या होगा, आपका एक्सटर्नल प्रेशर होगा और वही आपका फाइनल प्रेशर होगा। इस तरीके से आपको करना है, क्लियर है। चलिए अब इसी चीज़ को यहाँ अगर हम देखें कि यहाँ पे फाइनल आपका एक्सटर्नल प्रेशर 180 है, लेकिन फाइनल प्रेशर दिया हुआ है 280, ऐसा कैसे भाई, फाइनल प्रेशर तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना चाहिए ना, लेकिन वो उससे ज़्यादा है, ऐसा कैसे, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। देखिए इस डायग्राम को आप इसी के नीचे बनाना, ठीक है ना। जैसे ये आपका पिस्टन था, ठीक है, इसमें आपका प्रेशर था 1080 स्टार्टिंग में P1, ठीक है, 1080 था। पिस्टन मूव किया, कहीं आके रुक गया आपका कहाँ पर, अगर हम नीचे वाले केस के हिसाब से देखें तो जहाँ पर पी एक्सटर्नल कितना है आपका 180, वहीं पे आके ये रुकना चाहिए। मतलब अंदर का जो प्रेशर है P2 वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, तभी आपका रुकना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन फाइनल प्रेशर दिया है 280, इसका मतलब पॉसिबल कैसे है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये ऐसे पॉसिबल है कि मैं इस पिस्टन को यहाँ तक पहुँचने ही ना दूँ, ठीक है, उससे पहले ही रोक लूँ, तो क्या होगा, बिल्कुल रोका जा सकता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्टॉप कोक लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, स्टॉप कोक। अब क्या होगा, आपका जो पिस्टन है वो यहाँ आएगा और रुक जाएगा। स्टॉप कोक लगा दिया मैंने, यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया, जैसे पिस्टन यहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और अगर स्टॉप हो गया तो अब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा P2, और वो P2 क्या है आपका, 280 है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल आप फाइनल प्रेशर, ज़रूरी नहीं कि एक्स्ट्रा प्रेशर ही लो, ठीक है। हाँ कुछ भी नहीं दिया है तो लास्ट में आपका जो फाइनल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के ही बराबर होगा, क्लियर है। आई एम श्योर ये क्लियर हुआ होगा।
ये सब चीज़ें अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसे एक बार आपके कीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की आपकी सेकंड टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट इज आइसोकोरिक। उसमें तो कुछ ज़्यादा खास नहीं था। आइसोकोरिक में क्या होता है, डेल्टा वी जीरो होता है, तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है आपके पास, जीरो होता है, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात करें तो डेल्टा यू किसके बराबर होगा, क्यू वी के बराबर होगा, मतलब हीट एक्सचेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, वो होगी आपकी डेल्टा यू के बराबर। उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। डेल्टा टी क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है, ठीक है। जैसे डेल्टा टी जीरो होगा, डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बट ये किसके लिए होगा, केवल और केवल आइडियल गैस के लिए। रियल गैस के लिए किसी भी रिएक्शन के लिए आपके डेल्टा यू और डेल्टा एच जीरो नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमने आइडियल गैस के बारे में ही बात की और वर्क डन का फॉर्मूला निकाला हमने किसके लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर प्रेशर दिया हो तो माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और डब्ल्यू इरिवर्सिबल हो तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू बाई वी टू माइनस वी वन, और वी टू की वैल्यू क्या लिखोगे आप, एन आर टी डिवाइड बाई पी टू माइनस एन आर टी बाई पी वन, ठीक है। इस तरह से आपको क्या है, वैल्यू को फाइंड आउट करना। देखिए डब्ल्यू रिवर्सिबल का वर्क अलग है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल का वर्क अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सपेंशन का जो वर्क होता है डब्ल्यू रिवर्सिबल वो मैक्सिमम होता है, और कंप्रेशन में क्या होता है, डब्ल्यू इरिवर्सिबल का वर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, क्वेश्चन में आपको पहले ये पहचानना रहेगा कि इसमें रिवर्सिबल के लिए है फॉर्मूला लगाएं या फिर इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको पहचान में आ जाएगा, या तो क्वेश्चन में दिया होगा या कुछ इन्फॉर्मेशन से आपको पता पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए और जो पुराना है वो भी अच्छे से आप तैयार कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी क्या हो, थोड़ी प्रैक्टिस हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।